हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। उम्मीद करते हैं गाइस आप सभी ठीक होंगे। सो गाइस, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में बात करने वाले सबसे ज़्यादा पॉपुलर होने वाली बाइक वो है दोस्तों यामा की MT-15। अब यहाँ पे दोस्तों बहुत दिनों से भाई आप लोगों के बातें सामने आ रही कि भाई आप लोग बोल रहे हो भाई MT-15 पे वीडियो बनाते रहो कि बाइक कब तक आएगी, क्या लॉन्च रहेगा, उसके बारे में थोड़ा सा बताते रहो। गाइस, आज की इस वीडियो में बेसिकली बात करने वाले MT-15 के बारे में कि कब तक ये बाइक इंडियन मार्केट में लॉन्च हो सकती है, नेक्स्ट जनरेशन MT-15। MT-15 ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन जो अपग्रेड होकर आने वाली है वो कब तक लॉन्च होगी, क्या प्राइस रहेगा, क्या स्पेसिफिकेशन रहेगा, क्या क्या चेंजेस होने वाले इंजन में, क्या चेंज रहेगा, कोई चेंज नहीं रहेगा या रहेगा, ये चीज आप लोगों को कंप्लीट आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। चलिए दोस्तों, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में बात करते हैं MT-15 के बारे में। अगर चैनल पर पहली बार आया तो प्लीज अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल के आइकन को ऑन कर लेना, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचते रह सके एंड आप मेरे वीडियो से अपडेट रह सके। चलिए दोस्तों, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं यमहा MT-15 के बारे में। इस सबसे पहले बात कर लेंगे बाइक के चेंजेस के बारे में, अपग्रेड्स के बारे में, कि बाइक में क्या क्या अपग्रेड आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्या क्या चेंजेस होगा उसके बारे में पहले बात करते हैं, उसके बाद बात करेंगे क्या प्राइस रहेगा और कब तक आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं चेंजेस में। इस सबसे पहले चेंजेस के बारे में बात करें दोस्तों, तो वह है बाइक का लुक। गाइस, मैं आप लोगों को बता दूं, कुछ दिन पहले ही यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि यामा की जो R15M लॉन्च हुई है, R15 V4 लॉन्च हुई है, उसको पूरी तरीके से चेंज किया गया है। अब दोस्तों, उससे अगर आप कंपेयर करेंगे वर्जन 3 से, तो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आप लोगों को फ्रंट में देखने को मिल रहा है। और वो किससे इंस्पायर्ड है, यामा की R7 एंड यामा की जो R1M आती है ना, उससे इंस्पायर्ड उस बाइक को बनाया गया है। तो यामा की जो MT-15 होने वाली है गाइस, इस बार वो इंस्पायर्ड होने वाली यामा की MT-07 से। अगर आप लोगों ने MT की 07 नहीं देखी तो एक बार गूगल में सर्च करके ज़रूर देखिएगा गाइस, उससे इंस्पायर्ड होने वाली ये बाइक। और उसका जो लुक है ना, काफ़ी प्यारा लगता है। फ्रंट में आप लोगों को सिंगल LED प्रोजेक्टर लाइट मिलती है, साइड में आप लोगों को 2 LED DRL लाइट मिलती है, जो कि काफ़ी अच्छी लगती है। और बाइक का जो लुक है, उस वजह से काफ़ी ज़्यादा लुक बढ़ता भी है। तो सेम आप लोगों को उससे इंस्पायर्ड ये बाइक देखने को मिलने वाली है, जो कि काफ़ी नेक्स्ट लेवल होने वाली। सबसे पहला चेंज आप लोगों को ये मिलेगा। सेकेंड चेंजेस के बारे में बात कर लें दोस्तों, तो वह है बाइक का स्पीडोमीटर। अब दोस्तों, आपको मैं बता दूं, जब यामा की वर्जन 3 जो आ रही थी, R15 आप कह सकते हो, उसका स्पीडोमीटर और MT-15 का जो स्पीडोमीटर लगा, इस आपको सेम देखने को मिलता था। अब यहाँ पे R15 MI, R15 V4 है, तो उसके स्पीडोमीटर को चेंज करके नया स्पीडोमीटर उस बाइक में देखने को मिला है। तो गाइस, मैं आपको बता दूं, MT-15 का जो स्पीडोमीटर है वो भी अपडेट होगा, और आप लोगों को नया कॉन्सेप्ट, नया स्पीडोमीटर इस बाइक में देखने को मिलने वाला है। और भी फीचर्स ऐड कर दिए जाएंगे, जैसे कि दोस्तों हो गया, इसमें आप लोगों को मोबाइल कनेक्टिविटी अभी तक नहीं मिलता, तो वो चीज़ मिलेगी। प्लस दोस्तों, बाइक में आपको मोड्स देखने को मिलेंगे, स्ट्रीट एंड ट्रैक, ये कुछ कॉमन जो मोड दिए गए R15M में, वो चीज़ भी आपको बाइक में मिलने वाली है। नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर ली दोस्तों, तो वह है बाइक का क्विक शिफ्टर। अब दोस्तों, आपको पता है, नहीं पता तो मैं आपको बताना चाहूँगा, यामा R15 वर्जन 3 जो आती है, और R15 की, ठीक है, और जो MT आती है, दोनों में आपको सेम इंजन देखने को मिलता था। अब R15 जो आ रही है आपकी M वर्जन 4, उसमें आप लोगों को वही इंजन मिल रहा है जो इंजन आपको MT-15 में भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो ऑब्वियसली बात है, इस R15 M और R15 V4 का जो इंजन है वो क्विक शिफ्टर वाला इंजन है, तो सेम वही इंजन आप लोगों को MT-15 में मिलने वाला है। तो ऑब्वियसली बात है कि MT-15 में भी जो नई वाली आएगी, उसमें आप लोगों को क्विक शिफ्टर देखने को मिलेगा। और मेरे हिसाब से दोस्तों, ये जो अपडेट होगा काफी अच्छा होगा, साथ में आपको बाइक में ट्रैक्शन कंट्रोल भी देखने को मिलने वाले हैं। नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर लें दोस्तों, तो वह है बाइक के सस्पेंशन। अभी फिलहाल MT-15 में आप लोगों को टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलते थे, जो कि R15 वर्जन 3 में भी मिलते थे। वर्जन 4 में आपको पता है कि USD फॉक्स, यानी कि अपसाइड डाउन फॉक्स दे दिए गए हैं। तो यहाँ पे दोस्तों, आप लोगों को MT-15 में भी नया USD फॉक्स, यानी कि अपसाइड डाउन गोल्डन फॉक्स सस्पेंशन देखने को मिलेंगे। और ऑब्वियसली बात है गाइस, ये जो सस्पेंशन है काफ़ी अच्छे सस्पेंशन माने जाते हैं, क्योंकि टेलीस्कोपिक नॉर्मल सस्पेंशन है। USD फॉक्स सस्पेंशन थोड़े से हाई लेवल के हो जाते हैं और थोड़े से बेटर हो जाते हैं, और उनकी जो परफॉर्मेंस होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। इस वजह से दोस्तों क्या होता है, हमारी बाइक, हम ज़्यादा कंफर्टेबल राइड करते हैं, उसका सबसे बड़ा एडवांटेज आपको वो मिल जाएगा, जो कि आप लोगों को नई वाली MT-15 में भी मिलने वाला है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, वो है दोस्तों ब्रेकिंग, जो कि बहुत दिनों से मिसिंग है MT-15 में। और यहाँ पे तो बहुत सारी खबरें ये भी आई थी कि भाई अपग्रेड किया
किया गया बट ऐसा हुआ नहीं। क्या दिक्कत है MT15 में आप लोगों को? दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस बाइक में सिंगल चैनल ABS मिलता है, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, जो कि सिंगल चैनल ABS आप लोगों को बाइक में देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों RN5 में आपको डुअल चैनल ABS देखने को मिलेगा, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम जो कि डुअल चैनल ABS है। तो गाइस मैं आप लोगों को बता दूं, यहां पे 99% चांसेस है कि MT15 में भी अब आप लोगों को डुअल चैनल ABS देखने को मिलेगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट भी है। और दोस्तों ऑब्वियस सी बात है कि अगर पावर जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, उतना ज्यादा फीचर्स भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। दोस्तों बात कर लेते हैं बाइक के नेक्स्ट अपडेट के बारे में, वो है दोस्तों बाइक की परफॉर्मेंस यानी कि इंजन। अब इंजन में देखिए जो है दोस्तों, वहाँ पे जो पावर है ना, वो थोड़ा सा आप लोगों को और डाउन देखने को मिल सकता है, क्योंकि यामा में भी आप लोगों का जो पावर है उसे थोड़ा डाउन किया गया है वर्जन 4 में, लगभग 0.4 के आसपास का जो पावर है वो डाउन किया गया है। लेकिन गाइस परफॉर्मेंस आपको थोड़ा उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है गाइस कि इतना मतलब पावर कम करने में 0.4 में क्या ही फर्क पड़ेगा, बट हाँ थोड़ा सा आपको देखने को मिल सकता है। बट इसमें आपको बता दूं, बाइक को और भी ज्यादा लाइट वेट अगर बनाया जाएगा तो फिर आप लोगों को वो भी फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब पता नहीं चलेगा कि आपकी बाइक में पावर कम भी हुआ है। ये चीज भी आप लोगों को न्यू MT15 में देखने को मिलने वाली है। दोस्तों अगर बात कर लें इसके नेक्स्ट अपडेट के बारे में, तो कहा जा रहा है कि ये जो बाइक रहने वाली है इस बार बहुत ज़्यादा स्मूथ लेवल की रहने वाली है। मतलब दोस्तों हाल फिलहाल जो MT15 आती है वो भी बहुत अच्छी है, लेकिन उसमें ना थोड़ा सा आप लोगों को वाइब्रेशन फील होगा, लेकिन दोस्तों इस बाइक में आप लोगों को थोड़ा भी वाइब्रेशन फील नहीं होने वाला, ये यामाहा का कहना है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है गाइस, अगर कोई बाइक में वाइब्रेशन है तो फिर ब्रांड उस चीज़ को थोड़ा केयर करता है, उस चीज़ को सही करता है, उसके बाद उस चीज़ को डिज़ाइन करता है, तो वो चीज़ थोड़ी और भी बेटर हो सकती है। अब देखते हैं दोस्तों कब तक लॉन्च होगी। चलिए बात कर लेते हैं बाइक के प्राइस के बारे में कि कब तक लॉन्च होगी, क्या प्राइस रहेगा, इसके बारे में भी बात करते हैं। देखिए दोस्तों अगर लॉन्च डेट के बारे में कहा जाए तो कोई ऑफिशियल लॉन्च डेट तो नहीं आई है फिलहाल यामाहा की तरफ से, पर कहा जा रहा है दोस्तों इस बाइक को नेक्स्ट ईयर में लगभग जुलाई मंथ तक इस बाइक को यामाहा की तरफ से लॉन्च किया जा सकता है अपग्रेड करके। अभी दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर जाएंगे आप यामाहा के शोरूम तो किसी भी शोरूम में आप लोगों को यामाहा की बाइक की जो स्टॉक है ना, वो काफ़ी कम स्टॉक देखने को मिल रही है। इसका रीज़न यही है कि यामाहा अपनी बाइक की कम प्रोडक्शन कर रहा है, क्योंकि दोस्तों ये लोग अपनी बाइक को अपग्रेड करने वाले हैं, पुराना स्टॉक फिर बच जाता है तो फिर उसे सेल करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है, उस चीज को देखते हुए ये चीज की जाएगी। और दोस्तों आप लोगों को ये बाइक मिलेगी जो कि आपको बहुत ज्यादा अच्छे अपग्रेड के साथ में मिलने वाली है। बात करें दोस्तों प्राइस के बारे में कि क्या प्राइस रहेगी, तो गाइस यहां पे ऑब्वियसली बात है कि कुछ अपग्रेड हो रहे तो बाइक का जो प्राइस है वो तो भाई बढ़ेगा ही बढ़ेगा। हाल फिलहाल लगभग एक शोरूम प्राइस 1,49,000 रुपीज के आसपास की आती है, लेकिन दोस्तों जो नई वाली बाइक रहेगी वो लगभग मान लीजिए 1,60,000 रुपए के आसपास की एक्स शोरूम प्राइस देखने को मिलती है। इतना प्राइस तो भाई बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है कि भाई कोई चीज अपग्रेड हो रही है तो प्राइस इतना बढ़ाना तो कॉमन सेंस वाली बात होती है। अब देखते हैं दोस्तों कब तक आपको यह बाइक इंडियन मार्केट में देखने को मिलेगी। सो उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज की ये इंटरेस्टिंग वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना, अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचते रह सके एंड आप मेरे वीडियोस अपडेट रह सके। जय हिंद, वंदे मातरम।